तो कई बार उनकी चीजों को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है। वीडियो की प्रोडक्शन क्वालिटी यान टॉप नॉच। साथ में रिएक्ट करने का मजा कुछ अलग है राइट भाई साहब। एमसी स्टैन का फ्लो पहले ही लेवल से। तो क्या हाल चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर ज्वेल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वेल एंड दिस इज अक्षय ज्वेल एंड यू आर वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्सअप। क्या हाल चाल है मेरे भाई लोगों के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, आज हम वापस आ चुके हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ और आज हम कोई एक ऐसा गाना उठा के लेके आए हैं जो गाइस बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फन लविंग और बहुत ही मज़ेदार गाना है क्योंकि आर्टिस्ट इतने मज़ेदार हैं और उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो तो भाई बहुत खतरनाक है ही। और मैं बात कर रहा हूँ एमसी स्टैन की। आज उनका हम गाना लेके आए हैं हाथ वर्ती। ये गाना काफ़ी टाइम पहले रिलीज़ हो चुका है गाइस, पर ये गानों का एक फील ऐसा है ना कि इनको अगर रिएक्ट नहीं करा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हम लोग सुनते रहते हैं ऐसे गाने और हमने ये सुना, हमने कहा यार इस पे रिएक्ट करना तो बनता है और वैसे भी पब्लिक भी एमसी स्टैन की पब्लिक बिल्कुल चाहेगी कि हम ये गाने पे रिएक्ट जरूर करें, है ना। ये गाना बहुत बढ़िया है और ये गाना इन्होंने परफॉर्म बिग बॉस में भी करा था जब सलमान खान ने उन्हें वो करा था तो उन्होंने ये परफॉर्म भी करा था और इस गाने के उसके बाद ही शायद बिग बॉस से बाहर निकल के उन्होंने ये गाना बनाया था जितना मुझे याद है। शायद आई एम नॉट श्योर। तो बहुत बढ़िया गाना गाइज। अब आपको पता है कि एमसी स्टैन थोड़ा सा मम्बलिंग करते हैं और मम्बल रैपर हैं वो थोड़ा सा, तो उस चीज़ पे ज़्यादा उनका वो रहता है तो कई बार उनकी चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है, बहुत थोड़ा कान लगा के। और फ्लो भी थोड़ा उनका अनप्रिडिक्टेबल फ्लो है उनका, जो हम कह सकते हैं राइट, अनप्रिडिक्टेबल फ्लो है। कहीं पे भी कहीं भी कुछ भी कर देते हैं कई बार ना, जो कि एक बहुत पॉजिटिव वे में जाता है उनका, तो बहुत ही सही है गाइज। और अभी तक हम उनका देख रहे थे, हमने उनका अस्तक फिरुल्ला करा और आमीन करा, उर्वशी करा, तो हर उसमें उन्होंने अपना अलग अलग एक स्टोरी कह सकते हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग तरह के जॉनर्स हमें दिखाए। तो देखते हैं गाइज आज उन्होंने हाथ वर्ती में किस तरह का परफॉर्म करा। वैसे तो देखिए गाइस, सब हमने भी और सबने गाना सुना है और अपने आप में गाना बहुत बढ़िया है, पर लेट्स सी, साथ में रिएक्ट करने का मजा कुछ अलग ही है राइट। तो एमसी स्टैन के इस गाने से हम शुरुआत करेंगे और अगर मैं बात करूं परफॉर्म ये एमसी स्टैन और कश्मीर ने करा है, लिरिक्स एमसी स्टैन के, प्रोड्यूस करा है कश्मीर एंड फेनम ने एंड वीडियो डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस एंड विजुअल्स बाय हैं जेडी। तो आई थिंक जेडी ये डिवाइन वाले जेडी हैं और फिर तो ये गाना भाई होना ही था तगड़ा क्योंकि अगर सब कुछ उन्होंने करा है। तो गाइज अब हम ये तो जानकारी हो गई गाने के बारे में, अब थोड़ी सी बातें आगे बढ़ाएंगे मेरे भाई। चलिए भाई, तो गाइज वी आर बैक वंस अगेन और आज हम आ रहे हैं आपके सामने एमसी स्टैन के एक तगड़े भड़कते हुए गाने को लेके और गाने का नाम है गाइज हाथ वर्ती। तो गाइज चलिए उस पर रिएक्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। गाइज हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना मत भूलिएगा जिसका नाम है हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। और जस्ट आप लोगों के लिए हमने स्पॉटिफाई पर पॉडकास्ट रिलीज किया है हिप हॉप रिलेटेड गाइज, तो अगर आप हिप हॉप रिलेटेड पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गाइज, जाके चेकआउट करें और हमारे FB पेज को भी फॉलो करें जिसका नाम है हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। गाइस हम थ्रेड्स पे भी हैं तो थ्रेड्स पे आके भी हमें ज्वाइन करें हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के नाम से। ये हमारे सारे सोशल हैंडल्स हैं, इनमें आके आप हमें ज्वाइन करें और हमारा कंटेंट देखिए, बताइए आपको कैसा लग रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार गाइस हमें देते जाइए क्योंकि आपका प्यार और आपका ये सपोर्ट ही है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, हम और अच्छा काम कर सके इसके लिए हमें प्रेरित करता है। सो गाइज अब हम टाइम वेस्ट करे बिना हम सीधे गाने की तरफ चलते हैं और देखते हैं एमसी स्टैन क्या कह रहे हैं। और हाथ वर्ती का मतलब होता है जो हम हाथ ऊपर करके, कीप योर हैंड्स रेज अप जिसे बोलते हैं ना, तो वो मराठी वर्ड है हाथ वर्ती, तो गाइज इसका मतलब ये होता है। एंड चलिए देखते हैं, हाथ वर्ती मेरे गानों पे हाथ वर्ती, अगर नहीं करा यहाँ पे तो मार पड़ती, तेरी बहन मुझसे प्यार करती, मत मार उसको उसकी नहीं गलती, सिर्फ रिलेट वो करती, पीटाउन बोले तो दे गेड़ों की भरती, मैं गर्दिश में भर दी, आवाज थोड़ी अलग आ रही हो गई सर्दी, पीटाउन से पीटाउन तक अपनी चलती, गर्दी में चलते तो दिखते नहीं, मैं गर्दी में चलता तो दिखता, तू 10 टाइम सोचेगा ऐसा क्यों लिखता, क्योंकि मैं सीखता मतलब देखा जाए तो स्टार्ट तो बहुत बढ़िया ही हुआ है क्योंकि उसमें वो कह ही रहे हैं कि भाई
तेरी बहन भी मुझसे है प्यार करती, तो उसकी नहीं गलती। और अगर आप मतलब हाथ वर्ती और अगर नहीं नहीं कर रहे हो तो मार पड़ती है। मतलब अगर आप हाँ, गाना परफॉर्म हो रहा है और आप हाथ उठा के थोड़ा एंजॉय नहीं कर रहे हो तो वैसे तो कर रहे हो, पर अगर नहीं कर रहे हो तो मार पड़ती है, फिर मार पड़ती है। और तेरी बहन मुझ पर मरती है, पर उसकी कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ रिलेट करती है। भाई साहब एमसी स्टैंड का फ्लो पहले ही लेवल से है, और जो पीछे बीट्स में भी जो फ्लूट बज रही है ना, फ्लूट में भी वेरिएशन है, प्रर करके फ्लूट को भी बजाया जा रहा है, एडलिब्स भी बहुत, हाँ एडलिब्स फ्लूट में एडलिब्स दिए जा रहे हैं, वो तगड़े हैं। और मतलब वीडियो तो जेडी के यार विजुअल्स तगड़े रहते हैं, वो देखने में पता लग रहा है पहले ही, मतलब शुरुआत से ही लग रहा है कि वीडियो की प्रोडक्शन क्वालिटी यहाँ टॉप नॉच है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए गाइस रिएक्ट करते हैं। तूने झूठ बोला क्यों, मैंने लिया तेरा साथ, मेरे गानों पे हाथ वर्ती, अगर नहीं करा यहाँ पे तो मार पड़ती, तेरी बहन मुझसे प्यार करती, मत मार उसको उसकी नहीं गलती, ताड़ी की बात कर रहे हैं ये, मुझे ताड़ी पिला रहे। ताड़ी एक्चुअली लोकल ड्रिंक्स होती है, वाइन टाइप की होती है जो चावल से या अलग अलग तरीके के ग्रेन से मिलके बनती है। और ये तो हर जगह इसका अलग ना, बिहार साइड अलग है, नॉर्थ ईस्ट साइड इसको अलग बोलते हैं, नेपाल में इसे छा बोलते हैं, राइस की वाइन होती है, मतलब ये कहते हैं देसी देसी लिक्विड टाइप की, ताड़ी पिला रहे और सॉरी और वही चीज, वो सारी चीज बोलना चाह रहे हैं कि ताड़ी पिला रहे और ये सारी चीजें वो बता रहे हैं। तो गाइस यार एमसी स्टैन का फ्लो तो यार मानना पड़ेगा, जिस हिसाब से शुरू करते हैं, और जैसा कि भाई ने शुरुआत में ही बोला कि इनका फ्लो ना आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कहाँ से कहाँ गोते मारता फिरता है। और शब्दों का इस्तेमाल बहुत अलग है, बहुत अलग तरीके के शब्द, जो स्लैंग्स हैं मुंबईया, मित्र मंडली हो गया, जैसे मित्र मंडल तो आपका मराठी वर्ड हो गया, मराठी वर्ड जो स्लैंग्स लाते हैं, जो अपने टोटल अपने अपने हुड का स्लैंग लाते हैं, और एक महाराष्ट्र स्लैंग्स भी लाते हैं, और दूसरा अपना जो मुंबई कर वाला जो स्लैंग होता है ना, या पुणे का जो स्लैंग होता है, वो सब ये लेके पी टाउन ये उसी को बोलते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही बढ़िया करते हैं, और सही बात है कि यार ऐसी लैंग्वेज के साथ गाने को बैठाना और उसे फेमस कराना अपने आप में बहुत बड़ा एक वो है भाई, क्योंकि लोग ये तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट और रिस्क भी है भाई, लोग पसंद करें ना करें, पसंद करें ना करें, और कहीं ना जो मुंबईया स्ट्रीट लैंग्वेज थी ना, उसको कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, उस तरीके से उसे लुक डाउन अपॉन जिसे कहते हैं ना, एक डिमीन टाइप का बोला जाता है कि छपरी लैंग्वेज स्टाइल की बोली जाती है, पर एमसी स्टैन ने और एमिवे जैसे बंदों ने उसे जिस हाइट तक पहुंचाया ना स्ट्रीट लैंग्वेज को, भाई मानना पड़ेगा दे हैव मेड इट पॉपुलर। हाँ वो तो है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बहुत ही बढ़िया वो करा है, और मजा आता है गाइस ऐसे, मतलब ना वो इनके गाने सुनने में मजा आता है, तभी इनके जो फैन फॉलोइंग है वो हार्ड कोर फैन फॉलोइंग है यार, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल हार्ड कोर, मतलब इनके लिए है तो इन्हीं के लिए है, ऐसा ऐसा वाला सीन है। और यार एमसी स्टैन का फ्लो ना, आपको गाने उनके कोई भी सुन लो, एमसी स्टैन के फ्लो में तो आप कभी भी मतलब उनसे ना डिसअपॉइंटेड नहीं होगे, गाने के फ्लो हो गए, लिरिक्स हो गई, वो तो हमेशा मतलब टॉप नॉच ही रहती है, टॉप नॉच रहती है, सही बात है गाइस, ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब गाना मजा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं, मेरे गानों पे हाथ वर्ती, अगर नहीं करा यहाँ पे तो मार पड़ती, तेरी बहन मुझसे प्यार करती, मत मार उसको उसकी नहीं गलती, बहुत
जो पीछे क्रिस्टल्स लगे हुए हैं चमकीले, डांसर्स हैं, डांसर्स परफॉर्म बहुत अच्छा, जो गर्ल्स परफॉर्म कर रही हैं, जो गर्ल्स परफॉर्म कर रही हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और मतलब वो उस, मैं सही बता रहा हूँ, वो डांसर्स है ना, गाने को एक नेक्स्ट उस पे लेके गए जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल द डांसर्स जो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, हिप हॉप कर रहे हैं प्रॉपरली। यार तभी कहते हैं ना हिप हॉप में जो वीडियो एलिमेंट है ना, मतलब वीडियो जो एक मतलब डायमेंशन है ना हिप हॉप का, वो ना गाने के पूरे के पूरे फील को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। मतलब गाना तो तगड़ा है ही, पर जेडी ने जिस तरह के विजुअल्स दिए हैं ना भाई साहब गाने में, और जिस तरह की कोरियोग्राफी है, डांसेस हो रहे हैं, और एमसी स्टैन तो अपने अलग ही ग्रूव कर रहे हैं, वो देख के लगता है कि यार एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की भी आजकल प्रोडक्शन वैल्यू उसी लेवल की है। ये ना पहले आज से 5-10 साल पहले देखने को नहीं मिलते थे इस तरह के गाने। आपको लेवल चाहिए ही होता, लेवल चाहिए ही होता था, या तो टी सीरीज होता था या बॉलीवुड में इस तरह की प्रोडक्शन होता था, अलग अलग होते थे इस तरह की प्रोडक्शन वैल्यू बॉलीवुड में देखने को मिलती है यार। और जेडी सरी के इस तरह के गाने डायरेक्ट कर रहे हैं ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल है। शाउट आउट टू जेडी यार, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही। बल्कि मैं तो पूरी टीम को ही कहूंगा जिन्होंने एडिट करा है, जिन्होंने शूट करा है, हर एक चीज में ना बहुत अच्छा वो करा गया है और बहुत बढ़िया काम। अब आप देखिए ना, आप देखिए कहीं ना कहीं एमसी स्टैन भी अच्छा अर्न कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो अपना इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि पुराने के वीडियोस आप देखो तो थोड़ा सा पता डिफरेंस पता चल जाता है यार, थोड़ा सा तो पता चलता ही है। और उसमें कोई गलत नहीं है, देखो यार आर्टिस्ट धीरे धीरे ही वो बनता है, आर्टिस्ट पे धीरे धीरे ही पैसा आता है, और जब पैसा आएगा तो क्वालिटी ठीक होती जाएगी। शुरुआत में इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के पास मतलब सोर्सेज नहीं होते थे कि वो इस लेवल का वीडियो प्रोड्यूस करते, क्योंकि भाई इस लेवल के वीडियो प्रोड्यूसर ना आपको अच्छे सिंगर्स के देखने को मिलते थे उस टाइम, इन्वेस्ट करना पड़ता है ना फिर इन्वेस्ट। अब एमसी स्टैन बहुत अच्छी पोजीशन पे है और बहुत अच्छे उस पे है, तो वो बना रहे हैं वैसे बढ़िया ना। और अब ये है कि अब पैसा आ रहा है तो वो उसे लगा भी रहे हैं। जहाँ आप एमसी स्टैन ले लीजिए, एमी भी ले ले, पैंथर ले ले, इनके वीडियो क्वालिटी देख रहे हो आप कितने, जो स्पेक्ट्रा का हमने किया था, वो स्पेक्ट्रा की वो पूरे कारें वारें उड़ रही हैं बैक सीट में, तो भाई साहब मतलब देख के लगता है कि मतलब चीजीनेस नहीं है वीडियोस में ना, एक टॉप नॉच क्वालिटी है। बिल्कुल बिल्कुल गाइस, गाना तो देखिए बहुत बढ़िया है, और मैं मुझे पता है सबने सुना हुआ होगा, जिसने नहीं भी सुना तो एमसी स्टैन के ऑफिशियल चैनल पे जाइए और सुनिए कि बहुत बढ़िया गाना है। और इसका रिएक्शन आके सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पे देखिए, क्योंकि जो डीप बातें होती हैं वो सिर्फ होती हैं हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पे। तो गाइज आइए और यहाँ पे हमारे वीडियोस को भी इंजॉय करिए, देखिए, और प्लीज़ गाइज प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमें प्यार देते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए, क्योंकि आपका प्यार सपोर्ट ही है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है और मोटिवेट करता है कि हम और अच्छा काम करें, अपने आप को और बेटर हम कैसे करें। गाइज हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, प्लीज़ उसमें जाके कनेक्ट करें, उसमें भी कमेंट करें गाइज, और उसमें भी अपने व्यूज़ को शेयर करें, राइट। सो ये तो अब हम वीडियो के समापन की तरफ आ गए गाइज, और हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए फ्रेश तड़कते भड़कते रिएक्शन वीडियो के साथ, कोई नए गाने पे, कोई नए आर्टिस्ट के साथ। सो गाइज अब हम चलते हैं, सो टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।